हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, यहाँ पर हो रही है फेस पैक बनाने की तैयारी। एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेस ऑयली हो चुका था, डल हो चुका था, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर फेस पैक बना रही हूँ। और ये वाला फेस पैक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और आप इसका रिजल्ट बाद में देख ही लोगे मेरे फेस पे। तो मैं पहले बता देती हूँ आपको ये फेस पैक कैसे बनाना है। तो यहाँ पर ली है मैंने मुल्तानी मिट्टी, और मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा आधा चम्मच दही मिक्स किया है, और उसमें मिक्स किया है मैंने ये मतलब खीरे का जूस। खीरा आपको कद्दूकस कर लेना है और उसका जूस निकाल के इस तरह से स्ट्रेन कर लेना है, और जूस निकाल के आपको अच्छे से उसे मिक्स करना है वो सारी चीज़ों में। मतलब ये तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेनी है, मतलब मुल्तानी मिट्टी, दही और ये खीरे का जूस। ये ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फेस पैक है। इस फेस पैक को रेगुलर लगाने से आपके डार्क स्पॉट भी ख़त्म हो जाएंगे, और अगर आपके पिगमेंटेशन है वो भी कम हो जाएंगे। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल को भी ये रिमूव करेगा, और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये दूर करेगा आपका फेस पैक ये। और इसको मैं लगा लूँगी अच्छे से, और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा फेस कितना ज़्यादा डल लग रहा है। मतलब ऑयली भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और डल भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसीलिए मैंने ये फेस पैक बनाया है। और ये फेस पैक एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी स्किन पर पिम्पल्स आ रहे हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट है, सनबर्न हो गया है, मतलब आपकी स्किन धूप से जल गई है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसको अप्लाई करने से आपका सन टैन भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। मतलब इसे अगर आप अप्लाई करते हो हफ्ते में 2 या 3 बार तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको ये देगा। आपकी स्किन गोरी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी, और अच्छा आपको लगेगा, मतलब स्किन ग्लो करने लगेगी। तो इसी वजह से ये फेस पैक एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और इसको ऐसे ही लगा लेना है आपको। कंसिस्टेंसी इसी तरह से रखनी है आपको, ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है आपको। दही आपको आधा चम्मच लेना है, 1 चम्मच आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी है, उसके बाद आपको खीरे का जूस में ऐसे मिक्स करना है जैसे कि ज़्यादा पतला ना हो और ज़्यादा गाढ़ा भी ना। तो बस इसी तरह से अप्लाई कर लेना है आपको, और उसके बाद आपको ऐसे ही छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। आपको फ़ैन के हवा में ड्राई नहीं करना है, नेचुरल एयर में आपको इसे ड्राई करना है, और जल्दी से सूख जाएगा। गर्मी है इसी वजह से, और आपके फेस की जो हीट है उसे जल्दी से ड्राई कर देगी। और बस ड्राई होने के बाद फेस को वॉश कर लेना है। गाइस, आप देख सकते हो फेस पैक का रिजल्ट कितना ज़्यादा अच्छा है। मतलब इंस्टेंटली ब्राइट हो गया ना फेस। अब जब मैंने अप्लाई किया था फेस पैक तब फेस कितना ज़्यादा डल लग रहा था और कितना ऑयली हो गया था यार, मैं तो परेशान हो गई थी ऑयल से। दिन भर इतना ज़्यादा ऑयल क्रीज करता है मेरा फेस, तो मुझे बार बार फेस वॉश करना पड़ता है, और करना भी चाहिए। इस टाइम तो बार बार आपको फेस वॉश करना ही चाहिए, बार बार फेस वॉश करना अच्छा है। बट जो ड्राई करता है आपके फेस को वैसा फेस वॉश मत यूज़ करिए। मतलब मैं तो आपको पता ही है कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ, चारकोल वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ। और किसी ने मुझे पूछा था कि उस दिन मैंने आपको नहीं दिखाया था, मतलब जो पर्पल के मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे, तो वो दो ही प्रोडक्ट उसमें ऑर्डर किए थे मैंने। एक थी लिपस्टिक, जो न्यू लिपस्टिक थी पिंक वाली वो, और एक फेस वॉश था, तो वही ऑर्डर किया था। बट वो लॉकडाउन से पहले ऑर्डर किया था, लॉकडाउन के बाद मिला है, मतलब अभी जब डिलीवरी स्टार्ट हो गई है तब मिला है। तो वो फेस वॉश का मैं वेट कर रही थी, क्योंकि उस फेस वॉश के अलावा ना मुझे फेस वॉश पसंद ही नहीं आ रहा है, मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ, ये बात अलग है। बट वो फेस वॉश बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, तो इसीलिए। और मेरी स्किन ड्राई नहीं करती है, एक्चुअली ऑयली स्किन है बट ड्राई नहीं करती है। फेस वॉश से डर्ट वगैरह निकल जाती है वो वाले फेस वॉश से, बट स्किन ड्राई नहीं करती आपकी। और फेस वॉश की प्राइस किसी ने पूछी थी, पर्पल पे जाके आप देख सकते हो उसकी प्राइस, चारकोल फेस वॉश गुड वाइब्स का प्राइस जो है वहाँ पे अप एंड डाउन होती रहती है। मतलब बहुत सारे ऑफर चलते रहते हैं तो वहाँ पे प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है, तो इसी की वजह से मुझे ना मतलब प्राइस एग्जैक्टली याद नहीं है उसकी। और उसमें 2 क्वांटिटी आती है, मतलब एक ज़्यादा क्वांटिटी वाला भी आता है, एक छोटे वाला भी आता है, तो मैंने इस बार छोटा वाला ऑर्डर किया था। वैसे मैं बड़ा वाला ऑर्डर करती हूँ बट इस बार पता नहीं छोटा वाला ऑर्डर क्यों किया था। हाँ, कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट डाला था ईद कैसे जा रही है, तो आप लोगों की रिप्लाई पढ़ के तो मुझे लग रहा है कि आपकी ईद बिल्कुल अच्छी नहीं जा रही है। बट क्या कर सकते हैं, सबके त्यौहार इस बार ऐसे ही जा रहे हैं। हमेशा बोलती हूँ आपको कि सभी लोग प्रे करिए कि कोरोना जल्दी से ख़त्म हो जाए और हमारी जैसी लाइफ थी पहले वैसे हमें वापस मिल जाए। तो चलिए फिर, मैंने अभी डिनर के लिए मसूर की दाल बनाई है, क्योंकि आजकल ना मसूर की दाल इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो इसी वजह से मसूर की दाल बनाई है। अभी उसके साथ कोई सूखी सब्जी बनानी है, तो वही सोच रही हूँ कौन सी सब्जी बनाऊँ। तो जब तक मैं सोचती हूँ कौन सी सब्जी बनाऊँ, तब तक आप एक रेसिपी देख लीजिए। दोपहर में मैंने बेसन की बर्फी बनाई थी, तो उसका वीडियो मैंने शूट कर लिया है ऑलरेडी, तो वो आप देख लीजिए। तब तक पहले आप बेसन बर्फी की रेसिपी देख लीजिए, तब तक मैं सोचती हूँ कि सूखी सब्जी में क्या बनाना है और उसकी तैयारी कर। तो गाइज, यहाँ पर मैंने बर्फी बनाने के लिए गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है,
और हाँ, ये जो बर्फ़ी बनने वाली है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है, बहुत यम्मी बनने वाली है। जैसे होटल में बनती है वैसे ही ये बर्फ़ी बनेगी, बिना खोया और बिना कुछ मतलब ज़्यादा कुछ मिलाए। तो ये दो चीज़ों से ही बनेगी सिर्फ, मतलब दो चीज़ें, मतलब आपको सिर्फ घी और उसमें चीनी मिक्स करनी है और एक बेसन। तो बस ये तीन चीज़ों से आपकी ये बर्फ़ी बन जाएगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने दो जो कटोरी है वो बेसन लिया है और एक कटोरी उसमें घी मिक्स किया है। ये बेसन बर्फ़ी में ना आपको क्वांटिटी में ध्यान देना है, थोड़ा सा आगे मैं आपको बताती जाऊँगी कि क्या क्या करना है। इसी तरह से सारा बेसन अच्छे से भून लेना है आपको। बेसन को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बेसन को आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है। जैसे कि हम लोग उखड़ पेंडी के लिए आटा भूनते हैं या क्या बोलते हैं सूजी भूनते हैं, उसी तरह से सूजी को भी सूजी थोड़ी सी जल्दी भून जाती है, बट बेसन थोड़ा सा इतना जल्दी नहीं भूनता है। तो इसीलिए बेसन को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बेसन को भूनने में थोड़ा सा टाइम देना है आपको और इस तरह से बेसन को भूनना है। और जब बेसन भून जाएगा ना, उसके बाद ना थोड़ा सा वो कलर चेंज करने लगेगा और उसके बाद जो घी है वो भी थोड़ा सा छोड़ने लगेगा घी। तो जैसे ही बेसन हो जाता है तो आपको समझ में आ ही जाएगा, वो घी छोड़ने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि बेसन हो गया है और स्मेल भी आने लगेगी उसकी। तो काफ़ी देर तक आपको भूनना है और जब तक आपका जो घी है वो नहीं छोड़ने लगता बेसन, तब तक आपको इसे भून लेना है अच्छे से। और फिर जब तक स्मेल नहीं आने लगती और बेसन घी नहीं छोड़ने लगता उस टाइम तक, और मैं आपको जो जो बता रही हूँ यहाँ पर टिप्स, उस टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपकी जो बेसन बर्फ़ी है कभी नहीं बिगड़ेगी और बिल्कुल होटल जैसी बेसन बर्फ़ी बनेगी बिना खोया के। तो बस इस तरह से आपको अच्छे से भून लेना है उसे जब तक ये बेसन क्या बोलते हैं घी नहीं छोड़ने लगता। यहाँ पर मेरा बेसन घी छोड़ने लगा था और कलर भी यहाँ पर चेंज हो गया था, आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर चाशनी बनाने के लिए डाल दी है, मतलब पतीला रख दिया है। और उसमें मैं एक पहले ना मेरा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, मैंने ये पहले बनाई थी, इससे पहले मैंने एक बार ही बनाई थी तो उस टाइम बहुत अच्छी बनी थी, बट मुझे उसकी क्वांटिटी याद नहीं थी कि मैंने चाशनी में कितनी क्वांटिटी यूज़ की थी। तो यहाँ पर मैंने बेसन दो कटोरी लिया था और एक कटोरी मैंने क्या घी लिया है। तो मैंने यहाँ पर ना एक कटोरी ही क्या बोलते हैं तो चीनी ली है और आधी कटोरी पानी लिया था, बट आपको चीनी दो कटोरी लेनी है और एक कटोरी पानी लेना है। जितना आप बेसन यहाँ पर देख सकते हो आप कि घी छोड़ने लगा था, तो जितना आप बेसन लोगे ना उतने ही आपको चीनी लेनी है और उससे आधा आपको पानी लेना है उसमें, और उसकी चाशनी बना लेनी है अच्छे से। और जैसे आप चाशनी उसमें बनाते हो ना गुलाब जामुन में, उससे थोड़ी सी गाढ़ी बनानी है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना कि अब मेरे चम्मच से गिर रहा है या नहीं, तो जैसे ही चम्मच से गिरता है और लास्ट का जो बूंद है वो थोड़ा सा लेट गिरता है ना, तो समझ जाना चाशनी आपकी बन गई है। तो यहाँ पर मेरी चाशनी बन गई थी तो मैंने बेसन में ऐड कर दी, और गरम गरम ही चाशनी आपको बेसन में ऐड करनी है। बट ये ना थोड़ी सी कम हो गई थी, तो इसी वजह से मुझे लगा कि मैंने जो क्वांटिटी यहाँ पर डाली है वो कम डाली है। तो इसी तरह से ये बहुत जल्दी चाशनी ने गाढ़ा बना दिया था बेसन, आप देख सकते हो कितनी जल्दी बेसन गाढ़ा बन गया है। तो मुझे और चाशनी बना के उसमें डालना पड़ा। तो आप ना ऐसे ही करना, दो कटोरी लेना और दो कटोरी में एक कटोरी पानी डालना, जैसे हमने दो कटोरी बेसन लिया है और एक कटोरी घी डाला है, तो वैसे ही आप पानी में भी चाशनी में भी वैसे ही करना। और यहाँ पर फिर बाद में मैंने चाशनी डाल दी थी और उसके बाद का बेसन का जो पेस्ट है वो बहुत अच्छा बना था। और उसके बाद आपको एक थाली में एक ऐसे ही मतलब खोल वाली थाली लेनी है, गोल वाली, और उसके बाद आपको एक थाली में उसे घी लगा के वो जो पेस्ट है बेसन का वो डाल देना है। और उसके बाद मैं यहाँ पर लंबा लंबा चॉप किया था मैंने क्या बोलते हैं बादाम और काजू और पिस्ता ना, मेरे यहाँ पे वो नमकीन वाला होता है तो मैंने यहाँ पर पिस्ता नहीं डाला है। तो अगर आपके घर में पिस्ता सादा वाला है तो आप पिस्ता भी डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेट हो गया था, जल्दी ही आपको इसे कट करना है नहीं तो ज़्यादा सेट हो जाएगा ना, तो मतलब ड्राई होने लगेगा और जल्दी आपकी बर्फ़ी मतलब बर्फ़ी का शेप नहीं आएगा उसमें। तो कट ना आपको जल्दी ही करना है, मतलब जैसे ही ये थोड़ा सा सेट हो गया उसके बाद आपको जल्दी ही इसको कट करना है। और उसके बाद की बर्फ़ी आप देख लेना, और खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी यार, मतलब जैसे होटल में बनती है ना वैसी ही बर्फ़ी बनी थी ये। और आपका अगर मीठा खाने का मन कर रहा हो लॉकडाउन में तो आप ज़रूर ट्राई करना, ये बर्फ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और अगर आपके हस्बैंड मीठा लवर है
तो आपके हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये। इनको ना इतना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है मेरे हस्बैंड को, बट इनको ना मैंने ये सरप्राइज़ दिया था जब ड्यूटी से आए थे ये, तो उसके बाद मैंने इनको खाने के लिए दिया था खाने के साथ। तो उसके बाद ना इन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और बहुत पसंद आई उनको ये। तो इसीलिए कह रही हूँ कि आपके हस्बैंड को अगर मीठा पसंद है तो आप एक बार ज़रूर बना के देखना, और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और बोलते हैं ना कि पति के दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है, तो अगर आपको दिल में जगह चाहिए तो ऐसे ही कुछ अलग अलग बनाया करो और उनको सरप्राइज़ दिया करो, तो आपको दिल में जगह मिलेगी। मजाक कर रही हूँ बट ये बात सच है। मतलब आप देखो, ट्राई करके देखो, उनको भी बहुत पसंद आने वाला है। ऐसे कुछ सरप्राइज़ दिया करो उन्हें भी, और जब उनके चेहरे पे आप खुशी देखोगे ना, तो उनको देख के आपको भी खुशी होने वाली है। तो कभी कभी सरप्राइज़ भी दे दिया करो उन्हें। डिनर बन गया है गाइज, और मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या डिनर में बनाया है। बहुत यम्मी वाला डिनर बनाया है आज, क्योंकि यम्मी वाला इसीलिए बोल रही हूँ कि मेरी फेवरेट सब्जी बनी है आज। एक्चुअली बहुत लेट सोचा पर अच्छा सोचा, मैंने बनाई है आज सब्जी मिक्स वेज। मैंने इसके पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मुझे मिक्स वेज बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली मिक्स वेज कब से मुझे पसंद आने लगी है, जब से ये आर्मी में थे तब से मुझे मिक्स वेज पसंद आने लगी है। अभी आर्मी बैकग्राउंड से है तो उन्हें पता होगा कि वहाँ पर बड़ा खाना होता है, तो बड़ा खाना में ना ये पक्का होती है मिक्स वेज। और जहाँ पर हम लोग थे बरेली में, तो वो कुक बहुत ही अच्छे से मिक्स वेज बनाता था, और उनके हाथों से बनी हुई मिक्स वेज ना बहुत ज़्यादा मुझे पसंद थे। इसीलिए जब भी बड़ा खाना होता था तो मैं पक्का जाती थी खाने के लिए। एक्चुअली मुझे कहीं पर जाना पसंद नहीं है, मैं यहाँ पर तो कभी कहीं पर जाती नहीं हूँ, बहुत कम जाती हूँ। मतलब रिलेटिव के यहाँ पर तो जाना पड़ता ही है, बट ऐसे कुछ कभी बुलाया किसी ने या कुछ तो इतना ज़्यादा नहीं जाती हूँ। बट वहाँ पर इसलिए जाती थी सिर्फ मिक्स वेज के लिए, और मुझे मिक्स वेज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने आज मिक्स वेज ही बनाई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है यम्मी सी मिक्स वेज। एक मिनट लाइट ऑन करती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ओ गरम है ये वाले लीड से ना, बहुत जल्दी मतलब पकड़ इस वाले जैसी चाहिए थी, तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता, तो ऐसा नहीं चाहिए था इसको। बट ये मिक्स वेज, और यहाँ पर है मसूर की दाल जो हम लोग बोलेंगे इसे क्या बोलते हैं, दाल तड़का। और ये यहाँ पर है रायता, और ये है रोटी। तो बस सभी डिनर कर लेते हैं, बहुत यम्मी सा डिनर बना है, तो जल्दी से डिनर करके मिलती हूँ आपसे। It's all you and me.
खाना खा के मुझे आधा घंटा तो हो ही गया है क्लीनिंग करते करते, तो अभी मैं लेने वाली हूँ अपनी ग्रीन टी। और शाम को कभी शाम को ले लेती हूँ, कभी रात को खाने के बाद ले लेती हूँ। तो ऐसे 2-3 टाइम ग्रीन टी ले रही हूँ अभी। पता नहीं अभी रिजल्ट पता चलेगा तो आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी कर रही हूँ तो आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ वो ना। तो चलिए अभी ग्रीन टी तो बन गई है मेरी, पी लेती हूँ। और हाँ, मैं ना ग्रीन टी के जो सैचे होते हैं वो भी वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। उसका क्या करती हूँ वो भी आपको बता देती हूँ मैं ना, एक मिनट। ग्रीन टी के जो सैचे होते हैं डेली के, वो मैं ऐसे एक प्लेट में निकाल के रख देती हूँ और उसमें थोड़ी सी ग्रीन टी भी डाल के रख देती हूँ। तो ये ना मैं रात को जब भी फेस वॉश करती हूँ, मतलब जब मेरा स्किन केयर करती हूँ, उसके बाद जब टोनर लगाना होता है मुझे, तो टोनर की जगह ये अप्लाई कर लेती हूँ मैं। मतलब इसका सैशे लेके, मतलब थोड़े से 2 सैशे लेके आँखों पे रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि डार्क सर्कल भी नहीं होते हैं, और ग्रीन टी एक बहुत ही अच्छा टोनर का काम करती है। तो आपकी स्किन भी टाइट होती है उससे, और बहुत सारे प्रॉब्लम दूर होते हैं जैसे कि रिंकल्स और ये सारी चीज़ें। आप थोड़ा सा नींबू उसमें निचोड़ देते हो ना, कोई कोई ग्रीन टी में भी नींबू निचोड़ के पीता है, वो तो बहुत ही अच्छा है। और इसमें भी थोड़े से अगर 1-2 बूंद आप नींबू के डाल देते हो ना, तो उससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। मतलब आपके जो पोर्स है वो भी मिनिमाइज होंगे और बहुत अच्छे से स्किन वगैरह टाइट होगी आपकी। तो ये आप करके देखिए, मैं तो ऐसे करती हूँ। डेली के जो सैसे होते हैं वो जमा करती हूँ, रात को यूज़ करती हूँ। 2 सैसे तो मैं अपने आईज पे ही रख देती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होती है इस टाइम में। गर्मी के टाइम में तो बहुत आँखें जलती है, तो रात को मैं ऐसे ही रख देती हूँ। वैसे भी मेरी नींद पूरी नहीं होती है, तो इसी वजह से इससे ना मुझे बहुत अच्छे से ठंडक मिलती है आँखों को। इसको लगाने के बहुत सारे बेनिफिट है, अगर आप ग्रीन टी लेते हो तो ऐसा ज़रूर किया करो। तो चलिए अभी मेरी ग्रीन टी तो बन गई है, अभी इसे पी लेती हूँ मैं और इसके बाद थोड़ी देर वॉक करूँगी। गाइस, वॉक कर लिए मैंने और इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। बस बहुत थक गई हूँ अब। और आप लोगों में से किसी ने बोला था कि वॉक कर लिया करो, तो इसी वजह से वॉक कर रही हूँ। मतलब खाना खाने के बाद तो थोड़ी देर वॉक कर ही लेती हूँ। चलिए इसके साथ ही इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। और आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर रेड बटन दबाना मत भूलिएगा, और उसके साथ एक बाजू में बेल आइकॉन आएगा उसको भी दबा देना। उससे क्या होगा कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और उससे आप सबसे पहले देख पाओगे। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।